हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। मतलब हमें इनमें से जो अल्टरनेटिव्स हैं और चार ऑप्शंस गिवन हैं उसमें से सही आंसर्स को चुन करके बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो देखिए, पहला है अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर टू एज। तो इसको कहते हैं हम पेरेंसुला। लैंडमास बाउंडेड बाय थ्री साइड्स मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसके तीन तरफ क्या है, समुद्र है। जैसे कि आपको मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे कि हमारा इंडियन मैप आप देख लीजिए, नीचे की तरफ से ऐसा है तो इधर क्या है, इंडियन ओशन पड़ता है, इधर हम लोगों का पड़ता है बे ऑफ बंगाल और इधर पड़ता है अरेबियन सी। तो इसको हम इंडियन पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, जो नीचे की तरफ हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, क्योंकि ये तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। माउंटेन रेंज मतलब पहाड़ियाँ जो ईस्ट साइड में हैं इंडिया के, जिसकी बाउंड्री जो है म्यांमार से लगती है, उनको हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं। आप देखिए, अगर हम रफली इंडिया का मैप देखें तो इस टाइप से कुछ बनता है ना, इस टाइप से ऐसे करके, मतलब देखिए रफ है तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा नॉर्थ होता है, ये वाला साइड है वेस्ट, ये वाली साइड है हमारी ईस्ट और ये साइड बनती है हमारी साउथ। ठीक है, ये चार साइड हैं। तो हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ म्यांमार आता है, इस तरफ यहाँ पे पहले बांग्लादेश आता है फिर हमारा ये म्यांमार आता है, दूसरा देश जो है। तो ईस्टर्न साइड में पड़ता है म्यांमार हमारे देश के। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। पूरब, पूरब का मतलब क्या होता है, ईस्ट, है ना। तो पूरब का मतलब ईस्ट होता है, तो पूर्वांचल जो है हमारे देश में ईस्टर्न हिमालयाज वाला जो रीजन है उसको हम पूर्वांचल कहते हैं, म्यांमार से वो लगा हुआ है। फिर थर्ड क्वेश्चन है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एस, हम लोग इसको कहते हैं कन्नड़। देखिए, यहाँ से फिर से हम देखते हैं इंडिया का मैप है, यहाँ पे है क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे हमारा गोवा आ जाता है, फिर उसके बाद इधर की साइड जो है कर्नाटक आ जाता है और नीचे की तरफ केरला आ जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है ये ईस्ट कोस्ट होता है पहले और ये वाला होता है वेस्ट कोस्ट हमारे देश का। तो साउथ का इसके गोवा के नीचे जो है ना वो कन्नड़ है ना, गोवा के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है, कोस्ट होता है हमारा समुद्र का किनारा, तो गोवा से नीचे जो कोस्टल स्ट्रिप पड़ती है वो पड़ती है हमारी कन्नड़। इसका आंसर है सी। फिर फोर्थ है हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट हम लोगों ने देख लिए, जो अरेबियन सी है वो है वेस्टर्न घाट, जो देखिए फिर से ये है हमारा जैसे इंडिया का पार्ट। ठीक है, तो इधर की ट्राइब जो है ये वाला जो है ईस्टर्न घाट है ना, ये ईस्टर्न घाट है और ये वाला इधर वाला हमारा पड़ता है वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, इधर वाला ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है और ये है वेस्टर्न घाट। तो हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट में वो है हमारी महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची जो चोटी है जो कि ईस्टर्न घाट में पड़ती है वो है महेंद्रगिरी। फिर सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ही आंसर हमें देने हैं। तो क्वेश्चन वन है इसका व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए एज पर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स लार्ज शीट ऑफ रॉक्स इन द अर्थ मेंटल आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट। तो देखिए हमारी जो अर्थ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, हमें पता है क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। तो जो मेंटल पार्ट है मतलब दूसरे वाला, जैसे कि मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, सपोज करिए ये हमारी है अर्थ, इसका जो सबसे ऊपर गोल, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा जिस पे हम ज़मीन पर रहते हैं वो है क्रस्ट, इसके अंदर की तरफ जो है वो मेंटल है ना, और इस सबसे अंदर की तरफ जो है वो कोर है। तो हमारा जो मेंटल पार्ट है ना, बीच वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। आप टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ नहीं होती हैं, कुछ आप रॉक्स कह सकते हैं जो हमेशा मूव करती रहती हैं, ऐसी रॉक्स, ऐसी पत्थर एक तरह के जो मूव करते रहते हैं, और वो काफ़ी बड़े बड़े शीट ऑफ रॉक्स होती हैं, खूब बड़े बड़े से होते हैं। आप देखिए इस तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अर्थ पर ऐसी ऐसी सी शीट हैं रॉक के, वो मूव करते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं, और यही जो शीट हैं मेंटल में प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। दीज आर लार्ज शीट ऑफ रॉक्स मेक्स द अर्थ सरफेस मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, इससे क्या होता है अर्थ का सरफेस जो है मूव होता है और इन्हीं की वजह से ही हमारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अब कुछ जो होती हैं सम मेजर प्लेट्स होती हैं और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट की बनी होती है, मतलब देखिए सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। कुछ जो होता है मोस्टली जो है ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट
कहाँ होती है, मेंटल वाले पार्ट में, मगर कुछ जो हैं वो जो है अपर क्रस्ट वाले पोर्शन में भी हमें जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। मेनली कहाँ होती है, मेनली हमारे मेंटल में होती है, और कुछ जो है क्रस्ट में भी देखने के लिए मिल जाती है। क्या होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, शीट ऑफ रॉक्स होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, शीट ऑफ रॉक इन अर्थ मेंटल, ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शीट ऑफ रॉक इन अर्थ मेंटल। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। पहले एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, तो हमारा जो देश है इंडिया वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे देश के, तो कौन से, एक तो गोंडवाना बड़े बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, उसको पेंजिया बोलते थे, फिर वो टूट गए तो गोंडवाना और लॉरेशिया बना। तो गोंडवाना सदर्न पार्ट था, सदर्न पार्ट में इंडिया आता था, इंडियन पूरा सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला रीजन। तो गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका आते थे। अब भाभर क्या है, तो देखिए, अ नैरो बेल्ट ऑफ लैंड मेजरिंग 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ हैव बीन फाउंड एट द स्लोप ऑफ शिवालिक एंड लेवर्ड प्लेन। द भाभर हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ पेबल्स ब्रॉट बाय रिवर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। तो देखिए भाभर क्या है, भाभर एक पतली सी बेल्ट है, नैरो सी बेल्ट है, जिसकी जो साइज़ कितना है भाभर का, 8 से 16 किलोमीटर तक का इसका हमें साइज़ मिलता है। और कहाँ पर बना हुआ है, शिवालिक और लेवल्ड प्लेन, जैसे हिमालयास के 3 डिवीज़न है ना, तो उसका जो सबसे लोअर डिवीज़न है वो क्या है हमारा, शिवालिक है। सबसे ऊपर वाले का क्या होते हैं, हमारी हिमाद्री, बीच में हिमाचल, और सबसे लोअर हिमालय है हमारे शिवालिक। तो भाभर हमें शिवालिक में मिलता है, शिवालिक में, और जो प्लेन एरिया आ जाता है वहाँ पर। इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, कितनी चौड़ाई होती है, 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और शिवालिक प्लेन में ये हमें मिलते हैं। और भाभर कैसे बनते हैं, पेबल, पेबल मतलब पत्थर के टुकड़े जो रिवर लेके आती है माउंटेन से ज़मीन के पास, मतलब रिवर से, रिवर में पत्थर से बह रहे होते हैं, उस वो पत्थर जो है ज़मीन पर आते हैं, माउंटेन्स से जो रिवर्स हैं वो पत्थर को लेके आती हैं ज़मीन पर, और उससे ही ये भाभर प्लेन्स जो हैं वो बनते हैं। अब फोर्थ है, इसका नेम 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मेजर डिविजन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिए, तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास, या फिर उन्हें मिडिल हिमालयास भी कहते हैं, और हम उन्हें शिवालिक जो थर्ड वाले हैं वो कहते हैं, या फिर जो है आउटर हिमालय। तो देखिए इंग्लिश में आप बोले तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, सिंपल सा। या फिर ग्रेटर हिमालय को आप हिमाद्री कहते हैं, और बीच वाले जो मिडिल हिमालय, हिमाचल उन्हें कहते हैं, और लास्ट वाले को आउटर हिमालय या फिर शिवालिक भी कहते हैं। तो आप ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय करके भी याद रख सकते हैं। आउटर हिमालय को शिवालिक, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। ये हो गया। फिर है, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्यास। तो अरावलीज और विंध्यास के बीच में मालवा प्लेट्यू पड़ता है। तो देखिए अरावली जो है वो मेनली राजस्थान वाले रीजन में हम लोगों को मिलती है, विंध्यास जो है वो हमें मध्य प्रदेश, देखिए जैसे कि सपोज करिए इंडिया का मैप है इस टाइप से, ऐसे करके है ना, ये वाला राजस्थान वाला रीजन है, तो यहीं पर जो है हमें अरावली मिलती है, इधर दिल्ली तक ये जाती है अरावली। ऐसा माना जाता है कि अरावली जो है पहले माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची हुआ करती थी कई हज़ारों सालों पहले, और अब देखिए कितनी कम हो गई है। मालवा जो है, मालवा रीजन हमें मध्य प्रदेश में मिलता है, तो मालवा प्लेट्यू जो है वो अरावली और यहाँ पे विंध्यास पड़ती हैं, अरावली और विंध्यास के बीच में हमें मालवा प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही मैंने आपको पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी हमारा जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। देखिए कोरल रीफ्स होती हैं जो कि पहले क्या होते हैं, ये मरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जब इनके डेथ हो जाती है तो इनका जो स्केलेटन होता है ना वही कोरल बन जाता है। देखिए कहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं आइलैंड, मरीन कोरल आइलैंड जो है इंडिया में, तो देखिए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंडवी वाज रीनेम्ड इन 1973 एज लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो हैं वो हमारे कोरल ओरिजिन के हैं। अंडमान निकोबार में भी काफ़ी कोरल आइलैंड्स हमें मिलते हैं वैसे तो मगर मेनली हमारे लक्षद्वीप हैं। डिस्टिंग्विश करना है हमें, डिफरेंस बताना है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट। देखिए कन्वर्जिंग का मतलब होता है पास आना, ये जो पास आती हुई प्लेट होती हैं ये होती हैं कन्वर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। अब देख लेते हैं,
तो कन्वर्जिंग प्लेट्स आर मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ कन्वेक्शन करंट. कौन सा करंट होता है? कन्वर्जिंग प्लेट में कन्वेक्शन करंट होता है, ये एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं. डाइवर्जिंग प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं. तो दीज प्लेट्स रिग्रेस टू एंड बैक साइड ऑफ देम, ठीक है, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे के रिवर्स साइड में जा रही होती हैं, ये है इसमें. नेक्स्ट है दे डिटरमाइन द कन्वर्जिंग लिमिट्स, मतलब डिटरमाइन करती हैं कि कितना एक दूसरे के पास आ सकती हैं. और ये क्या डिटरमाइन करती हैं? डाइवर्जिंग लिमिट, कि दो प्लेट्स एक दूसरे से कितना दूर जा सकती हैं, ये वो डिटरमाइन करते हैं. और ये कैसे बनती हैं? एज अ मोशन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ जो है मोशन होता है. ईच अदर एंड कोलाइड, एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, कई बार पास आते आते कोलाइड हो जाती हैं, मतलब टकरा जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर कई बार चढ़ भी जाती हैं, इस टाइप की हो जाती हैं ये, है ना. फिर इसमें है इसका एडवर्स मोशन होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं. तो दीज प्लेट्स क्रिएट वॉइड बिटवीन दैम, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं ये प्लेट, है ना. तो जब दूर जा रही होती हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, दूर जाते जाते एक दूसरे से एक क्या होता है, गैप बनाती जाती हैं, गैप बनता जाता है. एंड गेट इमीडिएटली फिल्ड विद वाटर बॉडी, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो डाइवर्जिंग प्लेट जो होती हैं, फिर काफ़ी गैप उनके बीच में बन जाता है, तो क्या होता है, पानी बीच में भर जाता है. तो ये हम लोगों ने देख लिया कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्लेट. कन्वर्जिंग एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, डाइवर्जिंग प्लेट एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं. अब नेक्स्ट है भांगर और खादर. तो देखिए भांगर है, दीज आर लो प्लेन्स विद ओल्ड अलूवियल सॉइल मिक्स्ड विद पेबल्स. तो भांगर क्या होती है? पुरानी अलूवियल सॉइल्स होती हैं. भांगर और खादर दोनों ही अलूवियल सॉइल होती हैं, मगर जो है भांगर वो ओल्ड पुरानी अलूवियल सॉइल होती है, और इसमें बहुत सारे पेबल्स, बहुत सारे पत्थर हमें देखने के लिए मिलते हैं. खादर जो है वो फ्रेश डिपॉजिट ऑफ अलूवियम एवरी ईयर ब्रॉट डाउन बाय द हिमालयन रिवर्स मेक्स दिस बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. तो मतलब इसमें क्या होता है, खादर में फ्रेश डिपॉजिट होते हैं हर साल, जो है नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं, नई मिट्टी जो ऊपरी लेयर पे होती है वो, उसे हम खादर कहते हैं. भांगर पुरानी मिट्टी होती है, उसमें कंकड़ और पत्थर होते हैं, खादर नई मिट्टी होती है. फिर खादर का हम देखते हैं, दिस बेल्ट फॉल्स एट, देखिए यहाँ पर ये वाला जो एट है ना, ये गलत है, ये एट नहीं आएगा. तो इसमें हम करेंगे दिस बेल्ट फॉल्स एट हायर एलिवेशन देन द फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स होते हैं नॉर्मली जहाँ पर जो है नदी बाढ़ लेके आती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जिस जगह बाढ़ आ जाती है वो प्लेन इलाका होता है. कुछ भी माउंटेन या प्लेटू नहीं होते उसको प्लेन कहते हैं, समतल एरिया जो होता है. तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर नदी अपने पानी की वजह से बाढ़ ले आती है. तो इस बेल्ट में क्या होता है, फॉल्स एट हायर एलिवेशन देन द फ्लड प्लेन्स. जो भाबर है वो फ्लड प्लेन से ऊपर ऊपर वाला रीजन होता है, क्योंकि फ्लड प्लेन्स में तो हर साल नई मिट्टी आती है, वहाँ पे तो खादर होता है. और ये बेल्ट जो है खादर वाली, ये फ्लड प्लेन में पड़ती है, मतलब यहाँ पर इस वाले एरिया में प्लेन एरिया होता है और यहाँ पर हर साल जनरली बाढ़ आती है. तो भाबर फ्लड प्लेन से ऊपर पड़ती है और खादर जो है वो हमारी फ्लड प्लेन वाले रीजन में पड़ती है. दिस बेल्ट एंड्स इन खादर, और खादर में एंड हो जाती है. और ये वाली जो भांगर होती है, दिस बेल्ट एंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ऑफ तराई. जो खादर है वो तराई वाला जो रीजन पड़ता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और नेपाल वाला जो रीजन है तराई का, वहाँ पर ये ख़त्म होती है आकर के, खादर बेल्ट. ये हो गया. नेक्स्ट है हमारा इसमें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हमें डिफरेंस बताना है. तो देखिए काफ़ी सारे डिफरेंस हो सकते हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में. तो देखिए यहाँ पे आ गया है, ऊपर जाते हैं, हमें डिफरेंस बताना है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में. तो देखिए वेस्टर्न घाट जो है वो रिवर्स साइड ऑफ ईस्टर्न घाट है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में पड़ते हैं. तो ये इसमें आप लिख सकते हैं कि जो है वेस्टर्न घाट हमारे डेक्कन प्लेट्यू में पड़ते हैं, और ईस्टर्न घाट जो है ईस्ट में पड़ते हैं डेक्कन प्लेट्यू के. डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में पड़ता है हमारे वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में पड़ता है हमारा ईस्टर्न घाट. और जो वेस्टर्न घाट है वो पैरेलल टू वेस्टर्न कोंकण, कन्नड़ और मालाबार है. ये देखिए वेस्टर्न घाट ये हैं, ये वाला जो, यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला जो रीजन है ना, ये है वेस्टर्न घाट हमारे देश का, ये वाला. और ये वाला है ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट वाला रीजन है. तो ये वाला वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे देखिए कोंकण मैंने आपको बताया था ना, गोवा वाला रीजन, कन्नड़ है कर्नाटक वाला रीजन, मालाबार है केरला वाला रीजन. तो वेस्टर्न घाट में ये सारे कोंकण, कन्नड़, मालाबार पड़ते हैं. और ईस्टर्न घाट में कोरोमंडल, तमिलनाडु वाला रीजन, और नॉर्दर्न किरकार, नॉर्दर्न किरकार जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले रीजन में पड़ता है. फिर कोंकण, मुंबई,
कोंकण पड़ता है मुंबई से गोवा, कन्नड़ रीजन है गोवा से केरल, और मालाबार केरल से कन्याकुमारी वाला जो रीजन है, और इसमें कोस्टल प्लेन आता है। और इसमें है हमारे ईस्टर्न घाट में नदर किरकार जो है महानदी कृष्णा रिवर के बीच में पड़ता है उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। फिर कृष्णा कावेरी में कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा नीचे की तरफ कोरोमंडल वाला जो रीजन है वो पड़ता है। फिर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं वेस्टर्न घाट में, भीम गोदावरी कृष्ण कावेरी नर्मदा तापी माही, ये सारी की सारी रिवर मेन रिवर जो है, क्योंकि गोदावरी तो देखिए वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड में जाती है, तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स दोनों में हमें देखने के लिए मिलती है गोदावरी और कावेरी। और ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सी हैं, गोदावरी कृष्ण तुंग भद्र महानदी कावेरी ये सारी की सारी मेन रिवर हैं। फिर अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊँची रेंज है वेस्टर्न घाट्स की, इसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर है। और अगर महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची जो पीक है ईस्टर्न घाट की, तो हमें देखने से में समझ आता है कि हमारे वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा ऊंची माउंटेन की पीक्स हैं, माउंटेन की चोटियां जो हैं वो ऊंची हमारी वेस्टर्न घाट में हैं। और जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनाता है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बनाता है। इसकी जो घाटियाँ हैं एवरेज सी लेवल से बाहर 1600 मीटर ऊपर हैं, और ये 600 मीटर ऊपर हैं जो इसकी पहाड़ियां हैं ईस्टर्न घाट की। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हमें बताना है कि जो हिमालयाज हैं वो कैसे बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट्स अगेंस्ट यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो अबाउट 45 मिलियन ईयर्स को बहुत मतलब कई लाख साल पहले टकराई थी। इससे क्या हुआ था, यूरेशियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से आकर के टकराई तो हिमालयाज फॉर्म हुए थे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, टकराते कब हैं एक दूसरे के पास, कब आती हैं प्लेट जब कन्वर्ज होती हैं, तो हिमालयाज का फॉर्मेशन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, प्रायर टू द कोलिजन लैंडमार्क्स वर सेपरेटेड बाय ओशियनिक क्रस्ट। इससे पहले क्या होता था, यूरेशियन प्लेट में और इंडियन प्लेट के बीच में समुद्र हुआ करता था, इसकी वजह से विच इज़ द केस ऑफ हिमालय वॉज द तेथीस सी, तो हिमालय जहाँ पर है उससे पहले वहाँ पर तेथीस सी हुआ करता था। इन ड्यू कोर्स द सी फ्लोर ऑफ द तेथीस वॉज कंज्यूम्ड बट द सेडिमेंट ऑन द सी फ्लोर वर कंप्रेस्ड क्रम्बल्ड एंड फोल्डेड टू गिव राइज टू हिमालयाज। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, यूरेशिया और हमारे जो है इंडिया के बीच में तेथीस सी हुआ करता था। फिर जब हमारा इंडिया ने नॉर्थवर्ड जर्नी की, ऊपर की तरफ वो बढ़ा कंप्रेशन के प्लेट्स की वजह से, कंप्रेशन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, तो वो यूरेशिया से जा कर के टकरा गया। अब तेथीस सी था, सी ढक गया जब कॉन्टिनेंट टकराया, तो उसमें सी में क्या होते हैं, समुद्र में सेडिमेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है, जानवर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो जब इंडिया वाला जो रीजन है वो यूरेशियन प्लेट को पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था, कन्वर्जन बाउंड्री यही करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो क्या होने लगा, कंप्रेशन होने लगा, बहुत ही दबाव पड़ने लगा। और दबाव जब पड़ने लगा तो जो नीचे का मटेरियल था वो ऊपर की तरफ उठ उठ के आने लगा, फोल्डिंग हुई, इसलिए जो है क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, क्रम्बल हुआ, फोल्ड हुआ, और उससे क्या बने, हिमालयाज बने। इसलिए हिमालय को हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जो आज भी जिसकी हाइट वर्ल्ड में बढ़ रही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये देखिए सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, ये और एक मॉनसून वाला जो चैप्टर है, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप समझ लीजिए आपने फिजिक्स भी आपको आसान लगेगी फिर, क्योंकि मॉनसून का फिनोमिना और इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला जो फिनोमिना है ये काफ़ी टफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द, देखिए इसलिए वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, विच ऑफ द 5 मेजर ज्योग्राफिक मेजर ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बताने हैं, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बताने हैं हमें इंडिया के, कंट्रास्ट करना है मतलब डिफरेंस बताना है, जो अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कैसा कैसा लैंडफॉर्म है, प्लेन है, प्लेट्यू है, आइलैंड है, पहाड़ है, क्या है, वो होता है रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर हिमालय का और पेनिनसुलर इंडिया का हमें इनमें डिफरेंस भी बताना है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ये 6 मेजर डिवीजन है इंडिया के। अब हिमालय रीजन जो है कंसिस्ट करता है 3 पैरेलल रेंजेस, हमने पहले पढ़ा था देखिए, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। हिमालय जो है लोफ्टी पीक्स हैं, लोफ्टी मतलब बहुत ही ऊँची ऊँची पीक्स हैं हिमालयाज में, ग्लेशियर्स हैं, वैलीज हैं, घाटियाँ हैं। देखिए वैली ऐसा रीजन होता है जिसके दो तरफ पहाड़ी हो, बीच में प्लेन हो, वो वैली होती है। इट गिव राइज टू मैनी सो फेड रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से। फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर,
जो फोल्ड्स है ना, फोल्ड हिमालयाज हैं, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, हमने पढ़ा अभी. इट इज़ कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट कोर फ्लैंक्ड बाय मेटाफोराइज्ड सेडिमेंट्स. और कौन से पत्थर मिलते हैं? ग्रेनाइट के पत्थर मिलते हैं हिमालयाज में हमें. अब रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन, रिलीफ कैसी है, मतलब हिमालयन रीजन हमें बताया गया है. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज स्टेबल लैंड, मतलब पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला जो हम लोगों ने देखा था नीचे वाला इंडिया का रीजन, वो टेबल मतलब नीचा है, मतलब हिमालयस के कंपैरिजन में. और ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इसमें. हिमालयस में सेडिमेंटरी रॉक हमें देखने के लिए मिलती हैं, और हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, सदर्न रीजन है इंडिया का, उसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं. हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि 3 टाइप्स की रॉक होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक. हिमालयस में सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है चौड़े हैं और शेलो वैलीज़ हैं एंड राउंडेड हिल्स हैं. और हिमालयस में पॉइंटेड, हिमालयस में देखिए इस तरीके की पॉइंटेड पीक्स होती हैं हिमालयस में, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में ऐसी थोड़ी गोल गोल सी राउंडेड हिल्स होती हैं, क्योंकि पुराना है लैंड मास है वो, और हिमालयस नया बना हुआ है कंपैरेटिवली. ठीक हो गया. शैलो वैलीज होती हैं यहाँ पे पेनिनसुलर वाले रीजन में, हिमालयस में ब्रॉड वैलीज होती हैं. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन, मेनली सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेकन प्लेट्यू. पेनिनसुला में सेंट्रल हाईलैंड है, मतलब बीच वाला मध्य प्रदेश वाला दिल्ली वाला रीजन, और डेकन प्लेट्यू जो सदर्न वाले पार्ट में आता है. सेंट्रल हाईलैंड्स में जो है वेस्टर्न पार्ट जो है वो चौड़ा है, ईस्टर्न पार्ट नैरोअर है. डेकन प्लेट्यू जो है ट्रायंगुलर लैंड मास है, ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, जो नर्मदा रिवर से, मतलब साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के साउथ वाला रीजन जो है वो डेकन प्लेट्यू आता है. और प्लेट्यू इज़ हायर देन द वेस्ट एंड द स्लोप जनरली ईस्टवर्ड, मतलब वेस्टर्न साइड में जो हमने देखा था पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची हैं वेस्टर्न पार्ट की, वेस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट से, यही इसमें बताया गया है. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा, इसका आंसर भी काफ़ी बड़ा है, बट फाइनली अभी ये लास्ट है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, इंडियन डेजर्ट के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में और आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया के बारे में. तो इंडियन डेजर्ट, इंडिया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है अरावली हिल्स के वेस्ट में पड़ता है. देखिए अरावली हिल्स, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए राजस्थान है, यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, ये अरावली हैं, और यहाँ पर जो है डेजर्ट पड़ता है, तो वेस्ट साइड में पड़ता है ना, ये वेस्ट साइड होती है इधर वाली, ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ऊपर वाली नॉर्थ होती है और नीचे वाली होती है साउथ. तो जो डेजर्ट जो है वो अरावली के वेस्ट में पड़ता है, मेजर पार्ट राजस्थान का इसमें आता है, और सिंध, पाकिस्तान और थार डेजर्ट जो है इस वाले रीजन में आता है जो डेजर्ट वाला है. लैंड इज़ जनरली फ्लैट, समतल होता है ज़मीन जो है, फ्लैट एंड कवर्ड विद सैंडी सॉइल. और क्या होती है जो इसकी वो होती है ना मिट्टी, वो रेतीली मिट्टी होती है. इट इज़ ड्राई रीजन विद हार्डली एनी रिवर्स, स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड डिसअपीयर आफ्टर दैट. लेक एग्जाम्पल, अ सॉल्ट वाटर लेक इज़ फाउंड इन दिस रीजन. तो देखिए इसमें बहुत ही कम नदियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं, ड्राई रीजन है, सूखा रीजन है मेनली, और नदियाँ जो हैं कहीं कहीं अपीयर बनने लगती हैं, आ जाती हैं जब जो है मानसून का सीज़न होता है, बारिश पड़ती है, फिर मतलब गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं. और लेक सांबर जो है सॉल्ट वाटर लेक है यहाँ का, इस रीजन का. सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमें इसमें बताते हैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज सेंट्रल हाईलैंड. आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मतलब उसमें ना आपको अगर आंसर ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड में पेनिनसुलर प्लेट्यू का, सॉरी ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट लाइंग